आपने इस बात पर जरूर ध्यान दिया होगा कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो भगवान के दर्शन करने के पश्चात मंदिर के चारों ओर भगवान की परिक्रमा भी जरूर करते हैं। हम सब ने भी कभी ना कभी या अनेकों बार मंदिर में परिक्रमा अवश्य ही की है। परिक्रमा की प्रथा अति प्राचीन है और हिंदू धर्म में परिक्रमा का बड़ा ही महत्व भी बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों की जाती है मंदिर और पवित्र स्थानों की परिक्रमा, क्या है इसके पीछे का धार्मिक वैज्ञानिक महत्व, रहस्य व लाभ, और इसको करने से होने वाले प्रमुख लाभों के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि कौन से मंदिर की कौन से भगवान की कितनी बार परिक्रमा करना हमारे शास्त्रों में सही बताया गया है। नमस्कार और स्वागत है BL ज्ञान के इस एक और बेहद ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी से भरपूर वीडियो में। हमारे धर्म शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति किसी मंदिर, भगवान की मूर्ति या शक्ति स्थान के चारों ओर चक्कर लगाकर परिक्रमा करता है तो इससे सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है। इससे न सिर्फ उस व्यक्ति के जीवन में शुभता आती है बल्कि वह सकारात्मक ऊर्जा उसके साथ ही उस व्यक्ति के घर में भी प्रवेश करती है, जिससे घर में सुख शांति आती है। इसके अलावा परिक्रमा का एक प्राथमिक कारण सूर्यदेव की दैनिक चाल से संबंधित भी बताया जाता है। जिस तरह से सूर्य प्रातः पूर्व में निकलता है, दक्षिण के मार्ग से चलकर पश्चिम में अस्त हो जाता है, उसी प्रकार वैदिक विचारकों के अनुसार अपने धार्मिक कृत्यों को बाधा विघ्नहीन भाव से संपादित करने के लिए परिक्रमा करने का विधान बताया गया है। तो वहीं परिक्रमा के दार्शनिक महत्व की बात की जाए तो इसका दार्शनिक महत्व ये भी है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रत्येक ग्रह नक्षत्र किसी न किसी तारे की परिक्रमा कर रहा है। ये परिक्रमा ही जीवन का सत्य है। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही एक चक्र है। इस चक्र को समझने के लिए ही परिक्रमा जैसे प्रतीक को निर्मित किया गया है। भगवान में ही सारी सृष्टि समाई है, उनसे ही सब उत्पन्न हुए हैं। हम उनकी परिक्रमा लगाकर ये मान सकते हैं कि हमने सारी सृष्टि की परिक्रमा कर ली। ये परिक्रमा का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। अगर आप मंदिर या किसी शक्ति स्थान की सकारात्मक ऊर्जा को बेहतर तरीके से ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको घड़ी की सुई की दिशा में नंगे पांव परिक्रमा करनी चाहिए। अगर परिक्रमा करते समय आपके कपड़े गीले हों तो इससे आपको और भी अधिक लाभ हो सकता है। कई मंदिरों में आपने लोगों को जल कुंड में स्नान करने के बाद गीले कपड़ों में ही मंदिर की परिक्रमा करते हुए देखा होगा। इसका कारण यही है कि ऐसा करने से उस पवित्र स्थान की ऊर्जा को अच्छे तरीके से ग्रहण किया जा सकता है। और अब साथ ही ये भी जान लेते हैं कि हमें कौन से भगवान, कौन से मंदिर या कौन सी शक्ति की कुल कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए। देवी माँ के मंदिर की एक बार परिक्रमा करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की चार बार परिक्रमा करनी चाहिए। गणेश जी और हनुमान जी की तीन परिक्रमा करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। शिव जी की परिक्रमा हमेशा आदि ही करना चाहिए, क्योंकि शिव जी पर किए गए अभिषेक की धारा को लांघना शुभ नहीं बताया गया। पीपल के पेड़ की 11 या 21 परिक्रमा करना बेहद ही शुभ होता है। तो दोस्तों, ये थी वो परिक्रमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी।